you do. My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. Hi, good morning. मैं आज इतनी खुश हूँ क्योंकि मुझे 10 साल लगे टू करेक्टली प्रिडिक्ट माई फर्स्ट पीरियड. कल रात को मुझे मालूम नहीं क्यों मुझे ऐसा लग ही गया कि रात में आएगा पीरियड और मैं सैनिटरी नैपकिन पहन के सो गई और आ गया और कहीं भी मिस नहीं हुआ. ऑल्सो मेरे को अल्सर हो गया है. नो फिल्म स्टार शो ऑल्सो शो कि उनको भी ऐसा अल्सर अल्सर होता है बिकॉज आई की थिंकिंग एंड आई एम लाइक कैटरीना कैफ को होता होगा अल्सर. फ्रेश वाटरमेलन जूस कर्टेसी मम्मा, पूरा भरा हुआ था, मैंने पी लिया. देन आई रिमेम्बर्ड कि आपको तो बताऊं. आज मेरा रूम बड़ा साफ है, आई शो यू. मेरे को वीडियो बनाना था अबाउट माय फुल ऑन रूम ट्रांसफॉर्मेशन बट वो मैं ना बनाया है नहीं. तो आई जस्ट क्लीन अप थोड़ा बहुत, आई चेंज द सैनिटरी नैपकिन एंड बिफोर माय पेंट दैट स्टार्ट्स आई गिव यू द रूम टूर. फर्स्ट आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मस्त मस्त उपमा, वॉचिंग फ्लाइंग बीस्ट. सो खाना खा के थोड़ा मैंने वेट कर लिया है. मैं पीरियड्स के लिए एकदम स्पेसिफिक वाला योगा रूटीन कर रही हूँ बिकॉज यू हैव टू बी केयरफुल कि आप कैसा वर्कआउट करते हो पीरियड्स के टाइम पे. तो लेट्स बिगिन. Done. So if you were thinking how was I doing it, I was watching my mother's tutorial. अब भाई नहाना है, बाल तो नहीं धो सकती but I have so much sweat. Look who's back again. I know कि दिन बाकी है और मैंने ऑलरेडी पजामास पहन लिए है बट पीरियड्स के टाइम पे हैव टू बी कंफर्टेबल. आई कांट बिलीव कि अभी डे टाइम है एंड स्टिल इतना अंधेरा है बिकॉज इतने ग्रे क्लाउड्स है, क्या बताओ. आई शो यू. सो आई लव द रेन्स. लव आफ्टर हैविंग अ बाथ, टू थिंग्स दैट आई एंजॉय डूइंग अ लॉट, एक्चुअली फोर. वन, आई लव क्लीनिंग माई नोज. टू, आई लव क्लीनिंग माई ईयर बट बोथ ऑफ दोस थोड़ा. थ्री, आई लव कटिंग माई नेल्स. दिस छुटकिया नेल कटर ना कभी मेरे पैर के नाखून पे काम नहीं करता. हर बार मुझे वो बड़ा वाला लेके आना पड़ता है. बट द फोर्थ थिंग इज आई लव डूइंग माई स्किन केयर आफ्टर अ बाथ क्योंकि मोटिवेशन मिलता है ना थोड़ा कि अच्छा अभी स्किन क्लीन किया है, कुछ कर देते हैं. आई एम यूजिंग दिस वन L'Oreal Crystal Micro Essence and first I want to show you the receipt कि भाई अपने आप लिया है, खुद के पैसे से लिया है, खुद order किया है, फिर ये video बनाया जा रहा है पूरा try and test करने के बाद. तो I've been seeing this literally everywhere for months और मुझे मन हो रहा था कि यार मैं भी try करके देखूँ ऐसा क्या है because it पानी जैसा दिखता है वो टोटली. बट करना क्या होता है, इसको फिंगर टिप्स पे लेना होता है, हल्के से ऐसे टैप करना रहता है. डोंट रब इट, जस्ट टैप इट. स्टार्ट फ्रॉम योर फोरहेड, चीक्स पे लगाना है एंड बस चिन पे फिनिश कर दो. अंडर 10 सेकंड्स हो गया. एंड अगर आपने मेरे सारे लॉकडाउन के ब्लॉग्स देखे आपने मेरा स्किन का ग्रोथ भी देखा रहेगा. लाइक चेक आउट द करंट स्टेट. कुछ मेकअप नहीं है, आई मीन इन फ्रंट ऑफ यू मैं अभी नहा कर आई हूँ. तो इसका टेक्नोलॉजी कैसा है कि इट गोज 10 लेयर्स इनसाइड द स्किन क्योंकि ये बहुत बहुत पतला है तो उसको इजी हो जाता है अंदर जाने के लिए. एंड इट जस्ट रिपेयर्स द स्किन, ग्लो आ जाता है, प्लम्प हो जाती है स्किन एंड इट्स जस्ट ओवरऑल लिफ्टिंग द क्वालिटी ऑफ द स्किन. ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए कोई भी वेदर में चल जाएगा क्योंकि ये बहुत पतला है तो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है. आई नो द चीपेस्ट वन इज ओनली फॉर 250 रुपीज और वो इतना बड़ा बॉटल है, 22 ml है बट वो बहुत चलता है. मैंने बड़ा वाला इसलिए लिया क्योंकि मेरी मम्मी को जल्दी से चुपचुपा स्किन कलर पसंद नहीं आता तो आई न्यू दैट दिस शी इज गोना टेक फ्रॉम मी. और जब भी मैं बड़ा वाला ले रही थी तभी उस पर कुछ लिपस्टिक का ऑफर भी था नायका पे तो आई गॉट लकी. बट लिंक नीचे है, लेट्स सी ये टाइम कुछ ऑफर है नहीं है बट द प्रोडक्ट इज वर्थ इट फॉर श्योर. तो अभी हमको ना
शूट अनदर वीडियो, मैं एक स्टोरी टाइम फिल्म करने वाली हूँ, तो वो शूट करना है, एडिट करना है और बहुत सारा पानी भी पीना है। तो ये है मेरे रूम का मेन डोर। तो यहाँ से अंदर आते से सबसे बड़ा वॉल है ये, विच इज द पिंक एंड द ब्लू लाइक द आइकॉनिक ट्रायंगल वाला वॉल। तो मैंने मेरा पूरा रूम एक्चुअली 2000 के अंदर पेंट कराया था, आई थिंक 2 max 2.5 thousand, क्योंकि ये मैंने खुद किया था तो लेबर का पैसा, मजदूरी का पैसा नहीं लगता और पेंट भी मैं खुद लेके आई थी तो एकदम बराबर कॉस्ट में मिला था। तो इसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो है, आई विल लिंक इट टू शो यू कि मैंने पेंट कैसे किया है। बट दैट्स अ टिप कि खुद से करो एंड आपको कितना पेंट चाहिए ना वो आप पहले से मालूम करो। एज इन मैं जब गई थी पेंट खरीदने तो मैंने बोला कि मुझे इतना सरफेस एरिया कवर करना है, मतलब मैंने पहले से ट्रायंगल मेजर करके उसको बोला था कि इतना इतना रहेगा साइज वॉल का, तो उसी हिसाब से पेंट दो। तो एक्स्ट्रा पेंट इतना आता नहीं है ना, तो करेक्ट कॉस्ट पड़ता है। दैट्स हाउ यू कैन गेट योर होल रूम पेंटेड वेरी नाइसली इन अ गुड बजट। ऑपोजिट में आती है ये वॉल, तो इसका भी पेंटिंग का खर्चा उसी में एड हो चुका है। बट ये एक साइकिल है जो मैंने अमेजोन से खरीदी थी और इसको दीवार पे लगाना रहता है स्क्रूज के मदद से। ये भी कुछ अराउंड 1000 rupees की ही थी तो इट वॉज क्वाइट अफोर्डेबल एंड इसके अंदर मैंने लगा दी लाइट्स। तो ये लाइट्स ना काफी अफोर्डेबल आती है अमेजोन से या कहीं से भी 100 rupees की मिल जाती है। और फिर इसमें काफी सारे ऐसे फोक गार्डन फ्लावर्स लगाए हैं। मेरे रूम में जितने भी मैंने ऐसे फोक प्लांट्स लगाए ना छोटे मोटे, वो भी सब 1000 rupees के अंदर आ गए थे। अपने लोकल स्टोर से जाके बहुत सारे प्लांट्स लेके आ सकते हो अलग अलग कलर के अलग अलग पैटर्न में। फिर आता है मेरा सीटिंग एरिया। तो ये बेड तो मैं मेरे पुराने घर से ले आई थी, ये कुछ नया नहीं है, बट ये पिलो कवर्स नए थे, ऑर्डर देम फ्रॉम शीन व्हेन आई गॉट देम। बट और काफी अच्छे वेबसाइट्स भी बनाते हैं अच्छे पिलो कवर्स, ये उल्टा है। तो वही कलर थीम के आप चूज कर सकते हो जिस थीम को आपको हाईलाइट करना आपके रूम में। तो मुझे पिंक चाहिए था। सारे पिलो कवर्स आई थिंक 1000 rupees या 1200-1500 तक आ ही गए थे। एंड देन कम्स दिस वॉल। फ्रेम्स काफी पॉपुलर होते हैं तो ये पूरे फ्रेम का सेट मैंने कुछ 1100-1100 का लिया था अमेजोन से। आई विल लिंक एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो कुछ अभी अवेलेबल है। एंड इसके अंदर आप खुद से पेंट करके लगा सकते हो, मैंने तो प्रिंट आउट लगाया है बट यू कैन डेफिनेटली मेक इट एज कस्टमाइज्ड एज यू वांट। तो अभी भी हमने 10,000 हिट नहीं किया है, तो जो बच जाता है ना उससे आप ऐसे फ्लावर पॉट्स ले सकते हो या तो आप बड़े से थोड़े फर्नीचर भी ले सकते हो जैसे लैडर हो गया या बॉटल हो गया। बट फॉर अ गुड रूम अगर आपको एकदम बजट में ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो आपकी दीवारों का कलर सबसे उठ के आएगा एंड आपने वॉल के ऊपर लगा के रखा है तो वॉल के ऊपर लगाने के लिए काफी अफोर्डेबल ऑप्शन आता है एंड दैट्स ऑल यू नीड फॉर एन अफोर्डेबल रूम ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई होप आपको हेल्प होगा। यार मम्मी लॉकडाउन में इतना अच्छा अच्छा खाना बना, वैसे भी बनाती है बट क्या अभी थोड़ा एक्स्ट्रा अच्छा खाना मिलता है क्योंकि पापा भी घर पे होते हैं। तो देयर इज हैंड वन, जस्ट लुक एट द क्लाउड्स यार। आई रियली वांटेड टू मेक अ पेंटिंग ऑफ क्लाउड्स टुडे बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम आ गया है आज तो शायद नहीं कर पाएंगे। बट दे ब्यूटिफुल, आई लव यू, आई लव यू। टेबल वी यूज दीज टेबल्स ऑल द टाइम एट होम, लाइक सी कम पड़ते हैं टेबल हमको। थैंक यू लिवाइस। हाय, तो मैं आई हूँ बालकनी में बिकॉज हम एक सीक्रेट मिशन पे है करेंटली। तो मेरी मम्मी का बर्थडे आ रहा है 20th June को, सो आई डोंट नो इफ दिस व्लॉग इज गोइंग टू बी अपलोडेड बिफोर दैट, बट इफ इट इज मम्मी प्लीज स्किप टू दिस टाइम, यू आर नॉट अलाउड टू वॉच दिस पार्ट, ओके प्लीज प्लीज प्लीज, बिकॉज आई नो कि आप मेरे सारे वीडियोज इतने अच्छे से देखते हो मम्मी, थोड़ा सा पार्ट स्किप कर लो यार वरना मेरा सरप्राइज खराब हो जाएगा, पक्का स्किप कर लेना बिकॉज नाउ आई एम स्टार्टिंग। तो आई हैव बीन वेरी वेरी कंफ्यूज अबाउट वॉट, ये क्या है ना पीछे, छाओ मेरा सर ही है, मुझे लगा कि क्या हो रहा है पीछे। हाँ, तो आई बीन वेरी कंफ्यूज कि मैं क्या करूँ मम्मी के बर्थडे के लिए बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अ फील सो स्पेशल एंड सो लव दैट शी इज। तो
मैंने डैड से सारे रिलेटिव्स और मम्मी के फ्रेंड्स के नंबर ले लिए हैं एंड मैं सबसे वीडियो मांगने वाली हूँ ऑफ देम विशिंग और हैप्पी बर्थडे. उनको जो बोलना है वीडियो में बोल सकते हैं, बस हैप्पी बर्थडे दिव्या भी बोल देंगे तो काफी. एंड देन आई मेक लाइक अ रियली इमोशनल वीडियो फॉर हर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई सॉ दिस गोल्डन लिपस्टिक ऑन नायका एंड शी हैज बीन वॉन्टिंग वन इन सो लॉन्ग. आई एम गोइंग टू ओपन इट एंड सी कि बराबर है कि नहीं. ओ पैकेजिंग तो देखो, दिस लुक्स लाइक अ बर्थडे प्रेजेंट. वाओ, आई एम माइसेल्फ कंफ्यूज कि मम्मा ये कैसे यूज करेंगे. शी वॉन्ट्स इट, शी लाइक्स इट, आई एम गोना गेट फॉर हर. इफ यू वॉन्ट टू नो कि ये कौन सा है, ये है लॉरियल पेरिस मेटालिक बाय कलर रिश 629 प्योर गोल्ड लिंक. एज यूजल जितनी भी चीजें मैं लिंक कर सकती हूँ हमेशा रहती है नीचे. बाय चांस दिस व्लॉग इज गेटिंग अपलोडेड बिफोर हर बर्थडे, गिव मी सम आइडियाज कि और आपने क्या क्या किया आपके लव्ड वंस के लिए बर्थडे में. नाउ इट्स टाइम टू सिट ऑन द लैपटॉप फॉर 3 to 4 hours एट अ स्ट्रेच. आई काइंड ऑफ डोंट लाइक टू सिट इन वन प्लेस फॉर सो लॉन्ग. एवरी जॉब में ऐसा कुछ ना कुछ रहता ही है जो आपको पसंद नहीं आता, तो लेट्स गो. तो टेबल बस असेंबल हो ही गया है, माता श्री फुल फोर्स लगाता हुआ है. वो This is the biggest one we've got till date. Usually हमने ऐसे single one ही use किया है. पहले 500 रुपये का सस्ता आता था, अभी 1000 रुपये हो गया इसका रेट. ये वाला ना टूट गया, इसलिए we decided to get a bigger one. केले हो रहे हैं ख़राब तो हमें बनानी पड़ेगी cookies urgently. तो cookies का डो ready हो गया है, अब ये जाएगा oven में. तो अभी रात के 12 बजे है एंड आई जस्ट गॉट डन विद अपलोडिंग द वीडियो. 3-4 घंटे लगे आज मम्मी ने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया बिकॉज आई वॉज वर्किंग एंड बहुत अच्छा फीलिंग था. बट आई जस्ट रियलाइज कि कुकीज अभी तक अवन में है. शूट, लुकिंग गुड. यस, दे लुक गुड गुड गुड. वाह, मस्त बना है. इसमें बनाना वगैरह है ना तो फ्रिज में रखना पड़ता है. बट बस यही था आज का व्लॉग. I hope you enjoyed it. Editing Hailey here and I had to come and meet you because while editing the video I realized that the bottle looks so freaking full when I have been using this for more than half a month. So I know ki maine kitna use kara hai but in the video it doesn't look like that. So I had to come and inform you ki that's because product the micro essence is so thin ki wo khatam hota hi nahi hai despite 2 people using it for more than half a month. Personally mom and I have been really enjoying it. To maine link upar hi rakha description mein, do check it out for you as well. That's why it looks like that. Bas ki kehna tha. मजा आया तो थम्स अप, मजा नहीं आया तो थम्स डाउन. अगर अगले वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना एंड आई विल मीट यू इन दैट वीडियो. अंटिल देन गुड बाय. Tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day.